हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग पढ़ रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी का फर्स्ट यूनिट कम्युनिकेशन स्किल। 11th क्लास का ये सेशन 5 है, कम्युनिकेशन स्टाइल्स एंड असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब कि आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या होना चाहिए। देखो, हमने अभी पीछे कम्युनिकेशन में वर्बल और नॉन वर्बल स्किल के बारे में पढ़ा था। वो तो है ही कि वर्बल नॉन वर्बल स्किल आप कैसे करोगे, लेकिन आपका एक स्टाइल होता है वो भी करेक्ट होना चाहिए कम्युनिकेशन का, जिससे क्या हो, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो और दूसरों को अच्छे से समझ आए, अंडरस्टैंड कर पाए। एंड व्हाट यू से एंड रिस्पोंड टू यू इन अ बेटर वे, और दूसरों को जो भी बोलो आप रिस्पोंड करो वो बेटर वे में करो। जैसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्टाइल्स क्या होते हैं, आपने कई बार सुना होगा, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू फील गुड आफ्टर सम कन्वर्सेशन बट सम कन्वर्सेशन मेक यू फील एंग्री। आपने देखा होगा कई बार कई कन्वर्सेशन के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और कई बार आपको इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग कम्युनिकेशन के स्टाइल होते हैं। जैसे आपको ये पिक्चर में आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकते हैं, एग्रेसिव, पैसिव या सबमिसिव बोल सकते हो, पैसिव और अग्रेसिव बोल सकते हो, अजर्वेटिव बोल सकते हो। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अग्रेसिव कैसे होगा, विनिंग एट एनी कॉस्ट नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स, मतलब अपने आप को जीत के दिखाना है, अपने आप को जिताना है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करनी। जैसे एग्जांपल, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स व्यूज़ और नीड्स, किसी और के व्यूज़ की कोई चिंता नहीं है, बस आपको अपना दिखाना है कि मैं ही बेस्ट हूँ। डिसमिसिंग, इग्नोरिंग और इंसल्टिंग अदर्स, दूसरों को इग्नोर करना, दूसरों के व्यूज़ को इग्नोर करना और इंसल्ट करना दूसरों की। शाउटिंग, यूजिंग स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज एंड नॉट लिसनिंग टू अदर, शाउटिंग करना दूसरों पर और किसी को नहीं सुनना। रिजल्ट क्या आएगा अगर आप इस टाइप की कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ करोगे, फीलिंग एंगर, ब्रेक डाउन ऑफ कम्युनिकेशन, आपको गुस्सा आएगा और वहीं पे बीच में कम्युनिकेशन आपकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है जैसे पैसिव और सबमिसिव, इसमें क्या होगा, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट, गिविंग अदर्स कंट्रोल, लूजिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, किसी और को कंट्रोल देना पड़ेगा और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी आपकी छिन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं इसके, जैसे कीपिंग क्वाइट एंड नॉट एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, चुप रहना और अपने आप को डिस्क्राइब एक्सप्रेस ना कर पाना। एक्सेप्टिंग इवन रॉन्ग रिमार्क्स फ्रॉम अदर्स, दूसरों से गलत रिमार्क्स भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं और आपको सॉरी बोलना पड़ेगा दूसरों को, चाहे उसमें आपकी गलती नहीं भी हो। इससे क्या होगा, आपकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, क्या रिजल्ट आएगा, हर्ट होंगी फीलिंग्स और आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी। तो ये था हमारा पैसिव सबमिसिव स्टाइल। नेक्स्ट है पैसिव अग्रेसिव स्टाइल, ट्राइंग, इसमें क्या करते हैं, ट्राइंग टू गेट योर ओन वे विदाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना खुद का वे चुनना बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिए और अपने आप को हर्ट करना, दूसरों को हर्ट करना। जैसे इनडायरेक्ट वेज ऑफ शोइंग एंगर सच एज नॉट डूइंग अ टास्क एंड लाइंग अबाउट इट, काम नहीं करना और उसके बारे में झूठ बोलना, रिसेंटमेंट करना या टॉकिंग इल अबाउट अदर्स इन देयर एब्सेंस, मतलब अगर कोई नहीं है तो उसके पीठ पीछे उसके बारे में गलत बोलना, नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स यू वांट फ्रॉम द कम्युनिकेशन, बैड फीलिंग्स फॉर एवरी डे, आप जो कम्युनिकेशन कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा और आपको और सब लोग आपके बारे में बैड फीलिंग्स होगी, सब लोग आपके बारे में बुरा सोचेंगे। तो ये थी पैसिव एंड अग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल। नेक्स्ट है असर्वेटिव। असर्वेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, असर्वेटिव में रिस्पेक्टिंग अदर्स एंड मेंटेनिंग सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों की भी रिस्पेक्ट करनी है और खुद भी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है, अपनी रिस्पेक्ट को भी मेंटेन करना है। जैसे इसके एग्जांपल लेके चलते हैं, एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ वाई लिसनिंग टू अदर पॉइंट, खुद को भी एक्सप्रेस करना और दूसरों की बातों को भी सुनना, दूसरों के व्यूज़ को अंडरस्टैंड करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना, डिसएग्रीइंग और सेइंग नो विदाउट हर्टिंग अदर्स, अगर आप कहीं पे एग्रीमेंट नहीं है आपका, आप नहीं एग्री कर रहे हो दूसरों के व्यूज़ से, तो उनको नो बोलो बिना उनको हर्ट किए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। और यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर मच बेटर एंड टू कैन अंडरस्टैंड यू, आपको इतना लोगों को समझो कि आप उनको अच्छे से समझ पाएँ और आप वो दूसरे लोग भी आपको अच्छे से समझ पाएँ। तो ये देखा है कि आपने ये सारी की सारी आपकी क्या है, कम्युनिकेशन स्टाइल है अलग अलग, एग्रेसिव, पैसिव सबमिसिव, पैसिव अग्रेसिव और असर्वेटिव। इसमें से जो आपने देखा है कि जो असर्वेटिव कम्युनिकेशन है, असर्टिव कम्युनिकेशन, असर्टिव कम्युनिकेशन में क्या है, सबसे मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। असर्टिव कम्युनिकेशन होती क्या है, असर्टिव कम्युनिकेशन इज द हेल्दियर कम्युनिकेशन स्टाइल, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन स्टाइल माना जाता है। इसमें आप अपने व्यूज़ को बिना किसी की डिसरिस्पेक्ट किए, बिना किसी का डिसरिस्पेक्ट करना मतलब किसी की बेइज्जती करना या किसी के बारे में गलत उसको हर्ट करना, फीलिंग्स को हर्ट करना, तो अपने आप अपने व्यूज़ ऐसे एक्सप्रेस करना कि किसी की डिसरिस्पेक्टिंग ना हो, रिस्पेक्टिंग अदर्स, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, कम्युनिकेटिंग योर ओपिनियन एंड विशेज क्लियरली, अपने ओपिनियन अच्छे से रखना,
बींग ओपन टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओपन रहना दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एंड फाइंडिंग ए बैलेंस बिटवीन योर नीड्स एंड अदर्स नीड्स, और बैलेंस रखना अपने नीड्स में भी और दूसरों की नीड्स में भी। एडवांटेजेस क्या रहते हैं असर्टिव कम्युनिकेशन के? बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप असर्टिव कम्युनिकेशन यूज़ करोगे, स्टाइल यूज़ करोगे असर्टिव का, तो आप बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड कर पाओगे। प्रिवेंट्स यू फ्रॉम सेइंग वर्ड्स और डूइंग एक्शंस दैट यू मे रिग्रेट लेटर। और आपको, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कई चीज़ें ऐसा बोल जाते हैं जिसे हमें बाद में लगता है कि हम रिग्रेट हैं उसके लिए। रिग्रेट मतलब आपको पछतावा हो रहा है उस चीज़ों के लिए, तो आप उन चीज़ों से बच सकते हो। मेक यू एंड अदर फील पॉजिटिव, अपने आप को दूसरों को भी पॉजिटिव फील करवाओ, ठीक है। मेक श्योर दैट एवरीवन एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड मीट्स द नीड्स ऑफ ऑल, एंड आपको एवरीवन को एक्सप्रेस करने दो अपने आइडियाज़ को भी और उनकी आइडियाज़ को भी, ताकि सबको आपस में समझ आ सके। हेल्प्स यू टू बिकम अ मोर कॉन्फिडेंट वर्कर एंड ए बेटर कम्युनिकेटर। अपने आप को, अगर आप कम्युनिकेशन स्टाइल, असर्टिव कम्युनिकेशन स्टाइल यूज़ करोगे, तो खुद को अच्छे कॉन्फिडेंट वर्कर मानोगे और बेटर कम्युनिकेटर हो गया। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो देखो कुछ टिप्स भी दे रखे हैं कि आप कैसे असर्टिव कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। शो कॉन्फिडेंस इन द वे यू सिट एंड स्टैंड और वॉक। अपना कॉन्फिडेंस दिखाओ बैठने में, चलने में, खड़े होने में। कीप योर शोल्डर स्ट्रेट एंड योर चिन अप। शोल्डर स्ट्रेट हो आपके। प्रैक्टिस मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। कंट्रोल साइंस ऑफ फिजिकल नर्वसनेस सच एज बाइटिंग नेल्स। आपकी जो फिजिकल नर्वसनेस है उसको कंट्रोल करो। कई लोगों को आदत होती है, जैसे कुछ सोचने लग जाते हैं तो अपनी नेल बाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। वो नेल जो नाखून होते हैं फिंगर से, उनको मुंह में डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, धीरे बोलो और क्लियरली बोलो। टिप्स जैसे यूज ए क्लियर काम वॉइस, काम वॉइस यूज़ करो और क्लियर वॉइस यूज़ करो। बी लाउड इनफ टू बी हर्ड बट डोंट शाउट। इतना लाउड बोलो कि दूसरों को अच्छे से सुनाई दे। शाउट नहीं करना, सिर्फ आपको लाउड बोलना है। इफ पीपल आर नॉट नोटिसिंग यू से एक्सक्यूज मी। अगर कोई लोग आपको नहीं सुन पा रहे, नोटिस नहीं कर पा रहे आपको, तो उनको एक्सक्यूज मी बोलो। डोंट बी अपोलोजेटिक वेन यू हैव नॉट एनी एनीथिंग रॉन्ग। अपोलोजाइज नहीं करना जी, अपनी गलती को तभी मानो जब आपने कुछ गलत किया हो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है तो उसके लिए अपोलोजाइज करने के लिए जरूरत नहीं है। मेक शॉर्ट एंड करेक्ट स्पीचेस, छोटी और करेक्ट स्पीचेस का यूज करो। ड्रेस करेक्टली, ड्रेसअप अच्छे से होना बहुत जरूरी है। कई बार लोग जो जजमेंट करते हैं वो आपकी लुक को देख के ही करते हैं कि आपकी ड्रेस नीटली है, स्मार्टली है, अकॉर्डिंग टू प्लेस और ओकेजन। तो एक कम्युनिकेशन का इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ता है। तो लुकिंग कॉन्फिडेंट अट्रैक्टिव, पीपल मे नॉट लिसन टू यू सीरियसली इफ़ यू आर नॉट ड्रेस प्रॉपरली। अगर आपकी ड्रेस ही अच्छा नहीं होगा तो लोग भी सीरियसली आपको सुनेंगे नहीं। तो प्लीज़ रिस्पेक्ट यू वैन यू आर ड्रेस्ड प्रॉपरली। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होना चाहिए। दूसरों पर ट्रस्ट बनाना सीखो, तभी आपको ओपन कम्युनिकेशन कर पाओगे। एक्सप्रेस योर थॉट्स क्लियरली ऑनेस्टली, क्लियरली और ऑनेस्टली, ईमानदारी से अपनी थॉट्स को बताओ। आस्क योर सेल्फ वट यू एक्चुअली वॉन्ट और वट विल वर्क बेस्ट फॉर यू बिफोर एग्रिंग समथिंग दैट इज नॉट कन्वीनियंट। डोंट बी अग्रेसिव, गुस्सा नहीं आना चाहिए। गेटिंग एंग्री, शाउटिंग, यूजिंग बैड लैंग्वेज, पुशिंग इज नॉट असर्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप एंग्री हो रहे हो, शाउटिंग कर रहे हो, बैड लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो और किसी को पुश कर रहे हो कोई काम को मनवाने के लिए, तो ये असर्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आता है। डोंट कन्फ्यूज इन असर्टिवनेस एंड अग्रेशन। असर्टिवनेस और अग्रेशन अलग अलग चीज़ें हैं। व्हेन फेस विद एन अनफेयर सिचुएशन, अगर आपको अनफेयर सिचुएशन लग रही है वहाँ पे, तो काम रहो और अच्छे से समझने की कोशिश करो। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रियल प्रॉब्लम एंड इंसिस्ट ऑन योर राइट्स बाय यूजिंग लॉजिकल पोलाइटनेस। इंसिस्ट करो लोगों को अपने लॉजिक और पोलाइटनेस से। पोलाइटनेस से आप दूसरों को इंसिस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपकी कम्युनिकेशन क्या कहना चाह रहे हो आप दूसरों से। स्पीक अप, एक्सप्रेस योर थॉट्स, आइडियाज, ओपिनियंस विदाउट वरिंग अबाउट अदर पीपल्स रिएक्शन। अपने आइडियाज़ को बताओ दूसरों को, अपने ओपिनियन को बताओ, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों का रिएक्शन क्या होगा। डोंट बॉदर अबाउट पीपल्स रिएक्शन। टिप्स क्या हैं इसके? डोंट बी साइलेंट इफ़ यू हैव समथिंग टू से। साइलेंट नहीं रहना है, आपको बोलना है। शेयर योर फीलिंग्स शेयर करो। प्रैक्टिस एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन, प्रैक्टिस करो ताकि आप अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर। और लर्न टू से नो। नो कैसे कहना है? कई बार ऐसा होता है कि इफ़ यू डू नॉट फील राइट डूइंग समथिंग देन डू नॉट डू इट, इट्स ओके टू रिफ्यूज। कई बार आपको ऐसा फील होता है कि मुझे ये करना सही नहीं है मेरे लिए, तो आप मत करो उसको रिफ्यूज करो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, सबसे पहले आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है। डोंट लेट अदर्स टेक एडवांटेज ऑफ यू, दूसरों को अपना फायदा नहीं उठाने दो। एग्रिंग विद थिंग्स यू नो आर नॉट करेक्ट में हार्म एवरी डे, उन चीज़ों पे एग्री रहो। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यू नो
कि आपको जो चीज करेक्ट है जो दूसरों को हार्म ना कर पाए ऐसी चीजें ही करो, दूसरों के लिए हार्मफुल है उस चीजों को, उस चीजों पे एग्री करो ही नहीं। तो वी विल लर्न मोर अबाउट हाउ से नो, हमें कोर्स में सेशन है हाउ टू से नो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें सिर्फ ये आपको कम्युनिकेशन स्टाइल के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेसिव असर्टिव कम्युनिकेशन कैसे यूज की जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।